गायों का जो सांडों का मामला चल रहा है, ये सारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की देन है। यानी गौशाला खोलने के लिए आदेश कर दिए, जिला प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है और किसान की अब तो 24 घंटे ड्यूटी खेत पर लग गई। वो न तो अपने परिवार की तरफ ध्यान दे रहा, न रिश्तेदारों की तरफ ध्यान दे रहा, न बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा, उसका ध्यान केवल फसल के ऊपर है। ये गायों की रखवाली के लिए उसे चौकीदार बना दिया। एक तो देश का चौकीदार बन गया मोदी जी, और एक साहब किसान पे खेत को चौकीदार 24 घंटे का बना दिया। किसानों की फसलों को इस तरह से तहस नहस किया जा रहा है गायों के, आवारा पशुओं के द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा। स्कूलों में गाय को बंद करने से क्या समस्या का समाधान है कोई? नहीं नहीं बिल्कुल समाधान है। अभी तो ये स्कूलों में बंद की जा रही है, तो 9 तारीख को पीएम महोदय आगरा कोठी मीना बाजार में आ रहे हैं, तो साहब जनता तो नहीं इकट्ठी हो पाएगी, पर आगरा जनपद का किसान सारी गायों को लेकर के मोदी जी की रैली में जाने के लिए तैयार हो चुका है। उस रैली में केवल गायों की रैली होगी, किसानों की रैली नहीं। केवल फेंकने के अलावा और ठोकने के अलावा उन पर कोई काम नहीं रहा, न उन पर कुछ है।